यूपी के फतेहपुर जिले में महाराज चित्रगुप्त के साथ सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को अपने घरों में रहने की चेतावनी दी। सड़क पर उतरे यमराज का साफ कहना था कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका सामना सीधे सीधे यमराज से होना है, इसलिए यमराज के पास जाने से बचिए और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोरोना संकट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम एक गंभीर स्थिति में हैं। सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। उन्होंने इस बात को उठाया कि केंद्र को राज्य को अधिक अधिकार देने चाहिए और गरीब लोगों को आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, पिछले दो महीने में मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है, लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। राहुल गांधी ने कहा, आज टेस्टिंग किट की सप्लाई लिमिटेड है, बिना टेस्ट के आपको पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी आखिर कहां पर है। कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर भी कोई भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति ना बच पाए। राज्यों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सिर्फ राज्यों को ताकत देने का है, राज्यों को पैसा देने की जरूरत है, पूरे देश को एक होकर इस वायरस से लड़ने की जरूरत है। सिर्फ लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राहुल ने कहा, कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देना होगा, हर किसी को आपस में बात करनी होगी। अचानक लॉकडाउन होने से प्रवासी मजदूरों की मुश्किल सामने आ गई। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर कुछ फैसला जल्द लेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अगर टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ी तो देश दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में जा सकता है। टेस्टिंग को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन हमें आर्थिक मोर्चे पर सोचने की काफी जरूरत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू हुई है, तुरंत जीत घोषित करना गलती होगी। मजदूरों के मसले पर सरकार को एक्सपर्ट से बात करके फैसला लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 10 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी हर हफ्ते देनी चाहिए। राहुल के मुताबिक वो कई मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग विचार रखते हैं, लेकिन आज लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ कोरोना वायरस को मात देने पर सोचना चाहिए। मेरठ में राशन धांधली की खबर पर दमदार असर, खबर दिखाते ही मेरठ के डीएसओ को मुख्यमंत्री कार्यालय से पड़ी फटकार। राशन की दुकान खुलवाने मौके पर पहुंचा डीएसओ, एबीपी गंगा की मुहिम के बाद लोगों को मिल रहा राशन। मुरादाबाद में डॉक्टरों और पुलिस वालों पर हमले के बाद जिले के एसएसपी का बयान सामने आया। एसएसपी अमित पाठक ने कहा कि हमले की घटना के पीछे सुनियोजित साजिश थी, आरोपी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जो लोग इस हमले के पीछे उनको बेनकाब किया जाएगा। वायरल मैसेज की जांच भी हो रही है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव करने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाए। मुरादाबाद में कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन कैमरों की मदद से पकड़े गए लोगों की पहचान की गई थी। घटनास्थल के पास महिलाएं और पुरुष छत से पथराव करते देखे गए थे। गिरफ्तार 17 लोगों में से 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर नवापुर इलाके के लोगों ने तब पथराव कर दिया था जब मेडिकल टीम 2 कोरोना संदिग्ध मरीजों को लेने गई थी। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए पथराव के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हमले में घायल 3 कर्मचारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में सभी कर्मचारियों ने लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने से इनकार कर दिया। कोरोना को लेकर राहत वाली खबर, 17 राज्यों के 325 जिलों में 14 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया सामने। सरकार ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग से हारेगा कोरोना, कोरोना को मिलकर देंगे मात, कहा लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंचा, अब तक 12,380 मरीज कोरोना संक्रमित, कुल 414 लोगों की हुई मौत। यूपी में भी 776 मरीजों को कोरोना, अब तक कोरोना से देश में हुई 414 मौतें। बीते 24 घंटे में कोरोना के 941 केस बढ़े, 37 की हुई मौत। आगरा में कोरोना वायरस से हालात काबू में नहीं है, एसएन मेडिकल कॉलेज में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, मृतक को गुर्दा रोग की शिकायत थी। इस तरह आगरा में ये 5वीं मौत रिपोर्ट हुई है, मृतकों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। 15 अप्रैल को आगरा में 19 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। डीएम ने बताया कि कुल संक्रमितों की संख्या 167 है। अब पारस हॉस्पिटल से जुड़े 24, फतेहपुर सीकरी के 23 और घटिया स्थित डॉक्टर मित्तल के संपर्क में आए 5 केस हो गए।
संक्रमित जमातियों की संख्या 76 से अधिक है। अब तक जिले में 2989 नमूने लिए गए हैं, इनमें से बुधवार को 209 नमूने लिए गए। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस मुकदमे तो दर्ज कर ही रही है, साथ ही आरोपियों के घर घर जाकर FIR की कॉपी भी चस्पा करना शुरू कर रही है। मंगलवार को शहर में कई मोहल्लों और दुकानों के बाहर पुलिस ने FIR की कॉपी चिपका दी। शाम तक अलग अलग थानों में 54 मुकदमे दर्ज किए गए, इनमें से 204 लोगों को नामजद किया गया है। बदायूं जिले में कोरोना के 2 संक्रमित और मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बुधवार रात आई रिपोर्ट में दोनों को पॉजिटिव बताया गया। अब जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4 हो गई। इससे पहले सहजवान में 2 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद सहजवान को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को 3 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। शहर में अब तक 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मंगलवार को 17 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें हिदायतुल्ला मदरसा मछरिया के एक छात्र में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी मदरसे के 8 छात्र मंगलवार को संक्रमित मिले थे। वहीं बुधवार सुबह भेजे गए 67 सैंपलों में भी 2 पॉजिटिव पाए गए। संत कबीरनगर जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। दुधारा थाना क्षेत्र के चौराहा गांव का निवासी 71 साल के बुजुर्ग को जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मरकज से वापस लौटा बुजुर्ग बिना जांच के रह रहा था। पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्हें CHC खलीलाबाद में बने कोरोना हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ये युवक 5 मार्च से 29 मार्च तक मोहान में रुका था। युवक के तबलीगी जमात में शामिल होने की भी चर्चा है। युवक का 14 अप्रैल को टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के घर FIR की कॉपी चस्पा की जा रही है, ताकि सामाजिक बेइज्जती के डर से लोग घरों से बेवजह बाहर ना निकले। SPCT ने कहा कि किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग लॉकडाउन में बाहर घूमेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पश्चिमी UP में COVID-19 के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मेरठ में 4 और पॉजिटिव पेशेंट पाए गए, जिसके बाद आंकड़ा 69 पहुंच गया। फिलहाल 13 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर चले गए, वहीं एक मरीज की मौत हो गई। हापुड़ में 7 और बिजनौर में 4 कोरोना पेशेंट पाए गए हैं। निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी के ससुराल तक ये संक्रमण पहुंच गया। मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान के समधी के 2 छोटे भाइयों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों भाइयों को फतेहपुर के कोरोना L1 हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। गाजियाबाद में एक और बड़ा हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। जिले में कुल 15 हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्लॉट भी सील कर दिया। डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना को मात देने के लिए गाजियाबाद जिले को 7 जोन में बांटा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में अभी तक कोरोना का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। इसके बावजूद यहां का सरकारी अमला ना तो लॉकडाउन में कोई ढील देने को तैयार है, और ना ही शहर में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम में। चौड़ी सड़कों के बजाय अब गलियों और संकरे रास्तों पर सैनिटाइजेशन कराने पर फोकस किया गया है। संभल में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम शुरू की है। यहां साइकिल सवार पुलिस कर्मियों की टीम गठित की गई, जो इलाके की गली मोहल्ले में जाकर लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे हैं। सहारनपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराते UP पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। बड़गांव पुलिस बेसहारा बीमार महिला को बचा नहीं पाई, जिसके बाद उन्होंने महिला की अर्थी को कंधा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके शव को पूरे रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार कराया। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जीत हासिल करने के लिए एक तरफ जहां वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योग साधना के जरिए भी इसे हराने के जतन किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तो एक महात्मा ने कोरोना के खिलाफ हठ योग शुरू कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से वो गंगा किनारे 15 फीट ऊंचा मचान बनवा कर दिन रात उसी पर साधना कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में कोरोना वॉरियर्स का लोगों ने सम्मान किया। सफाई कर्मचारियों का फूलों से स्वागत किया, नोटों की माला भी पहनाई। इस मौके पर महिलाओं, बच्चों सहित बुजुर्गों ने लाइन से खड़े होकर सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। लॉकडाउन 2 में भी सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे हैं। लोगों को इसका पालन करवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना योद्धाओं के लिए गोंडा में पुष्प वर्षा की गई। यहां के तरफगंज के सर्किल अफसर के साथ कई पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के ऊपर गली की महिलाओं और बच्चों ने फूलों की बारिश की। कानपुर के DM का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। DM साहब इसमें पूड़ियां तलते नजर आ रहे हैं।
डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी ओमपुरवा के कम्युनिटी किचन में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां हर रोज सैकड़ों लोगों का खाना बनता है। इस वीडियो से डीएम साहब काफी तारीफें बटोर रहे हैं। पीलीभीत में पुलिस ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे को हिरासत में ले लिया। दरअसल जहानाबाद से ये दूल्हा बारात लेकर शाहजहांपुर निकला था। इस बीच लॉकडाउन के चलते पुलिस ने चेक पॉइंट पर दूल्हे समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया। बड़कोट में तहसील प्रशासन ने ओलावृष्टि से नुकसान आकलन के निर्देश दिए। पटवारी किसानों के खेतों फसलों का मुआयना कर तहसील प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही मुआवजे से किसानों की मदद की जाएगी। बाराबंकी में लॉकडाउन के दौरान पहले दिन किसानों का 200 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। इस दौरान अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर किसानों से खड़े रहने की अपील की। जिला मुख्यालय शहर के नवीन सब्जी मंडी के 3 गेहूं के क्रय केंद्रों पर एक भी किसान नहीं पहुंचा। गोंडा में गेहूं खरीद के लिए 66 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खरीद के पहले दिन इन क्रय केंद्रों पर बोनी नहीं हो सकी। क्रय केंद्रों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर रहा और कर्मचारी किसानों का ही इंतजार करते रहे। लॉकडाउन के चलते हेमकुंड साहब के कपाट सरकार के निर्देशों और आदेशों के बाद ही खुलेंगे। यात्रा तैयारियों को लेकर ना ही सेवादार और ना ही सेना के जवान यहां आ पाए हैं। पहले 1 जून को हेमकुंड के कपाट खुलने थे, अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने की वजह से यात्रा की तैयारियों को लेकर दुश्वारियां बढ़ गई हैं। रुड़की के एक राहत कैंप में एक शख्स की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था। देर रात उसके पेट में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। बड़कोट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सजा दी। धारी क्षेत्र में बगैर इजाजत वाहन चला रहे लोगों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया। ऐसे वाहनों को रोककर लॉकडाउन तोड़ने वालों से उठक बैठक कराई जा रही है। सरकार ने समाज कल्याण विभाग से पेंशन लेने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने ऐसे लोगों की 3 महीने की पेंशन एडवांस में भेज दी। हल्द्वानी के लामाचौड़ गांव में ग्रामीण खुद ही सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर लकड़ियों से बैरिकेडिंग की है। एक बैनर भी लगाया जिसमें लिखा है कि गांव में बाहरी व्यक्ति का आना मना है। दिन रात 2 लोग बारी बारी से यहां पहरा दे रहे हैं। अगर कोई बाहरी शख्स गांव में आने की कोशिश करता है तो उससे पूरी पूछताछ की जाती है। देहरादून में गरीब जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रही पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पुलिस राशन के पैकेट्स बनाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रही है। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि एक सर्वे के आधार पर प्रशासन जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान रामनगर में गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने के लिए प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन दूध पीने वाले बच्चों के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा। महिलाओं का कहना है कि वो इस मुश्किल घड़ी में बच्चों को चीनी का पानी घोलकर पिला रही हैं। बच्चों के लिए दूध नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील बोट व्यवसाय करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है, वहीं कुदरती मार के चलते उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। टिहरी झील में आए भारी आंधी तूफान और लहरों से दर्जनों बोट आपस में टकराकर टूट गईं और कई बोट टिहरी झील में डूब गईं। देवप्रयाग विधानसभा के युवा विधायक विनोद कंडारी कोविड-19 से 2-2 हाथ करने मैदान में उतर आए हैं। वो दूर दराज के गांव में जाकर अपने हाथों से फॉगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन कर रहे हैं। उनके काम को देखकर जनता भी काफी उत्साहित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के घर उनके पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। 10 अप्रैल को लंबी बीमारी के बाद विधायक पुष्कर सिंह धामी के रिटायर्ड सूबेदार पिता शेर सिंह धामी का निधन हो गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने पुलिस और डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई और कहा कि सख्त कदम उठाए जाएंगे। अफवाहों के चलते जो भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वीके सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के मूल में कोई केस नहीं था। 27 में से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं और 15 जमाती थे और 5 सीज़फ़ायर कंपनी के। वीके सिंह ने माना कि देश में पीपीई किट सीमित है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जमा भीड़ को साध्वी प्राची ने सोची समझी साजिश करार दिया। साध्वी प्राची ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि भीड़ को यूपी बिहार के मजदूर बताया गया, जबकि वे सभी जिहादी थे, इसलिए भीड़ में शामिल सभी लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यूपी में कोरोना के चलते सत्र नियमित करने का फैसला लिया गया। इसको लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अहम बैठक की। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में फैसला लिया गया कि विद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पत्र कब होंगे।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रश्न पद में 5-6 की जगह 4 प्रश्न देने के निर्देश दिए। परीक्षा की अवधि 3 के बजाय 2 घंटे ही रहेगी और 2 की जगह 3 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जरूरत पड़ने पर परीक्षा केंद्र को बढ़ाया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसको लेकर एचईएल ने सरकार को 30 एरोसोल बॉक्स दिए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी को बॉक्स सौंपे गए। डॉक्टर और पेशेंट के बीच इंसुलेटर की तरह ट्रांसपेरेंट बॉक्स काम करेंगे। इससे कोरोना पेशेंट का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ में संक्रमण का खतरा कम होगा। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हो चुकी है। कोरोना वायरस के एक्टिव पेशेंट 1,477 हैं, वहीं अब तक 1,488 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में 414 लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर जान से हाथ धो बैठे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 187 मौतें हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 53, दिल्ली में 32 और गुजरात में 33 मौतें हुई। इसके अलावा तेलंगाना में 18 मौतें दर्ज की गयी। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ गई। ये शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने डिलीवरी बॉय की डिटेल नहीं शेयर की। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 2,916 पहुंच गई। बुधवार की शाम तक 24 घंटे में 232 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रदेश में 9 लोग की मौत हुई। पुणे में कोरोना वायरस के 56 नए मामले सामने आए। पुणे में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। राज्य में 179 मरीज ठीक हुए, वहीं एक्टिव केस अब 194 रह गए। 106 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना वायरस को हराया। ब्रिटेन में कोरोना को मात देने वाली ये सबसे अधिक उम्र की महिला है। 3 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की इस जंग में आखिरकार इस महिला की जीत हुई। उन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 20,83,033 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,34,603 लोग की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इसी दौरान 5,10,171 मरीज स्वस्थ भी हुए। अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल 6,44,089 मामले हैं। यहां 28,529 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों में ही 2400 लोगों ने जान गंवा दी और बीते दिन में 2,479 लोग इस वायरस के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहां 30,172 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अमेरिका के मिशिगन में लोगों को घरों में रहने और व्यवसाय को बंद रखने के गवर्नर के आदेश को लेकर अपनी नाराजगी जताने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी पोस्टर लहराने लगे, जिसमें से एक पर लिखा था, गवर्नर हम कैदी नहीं है। एक दूसरे पोस्टर पर लिखा था, मिशिगन के लोग ग्रेचिन के खराब रवैये के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 का टीका ही एकमात्र ऐसी चीज हो सकती है जो दुनिया में सामान्य स्थिति ला सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इस साल के अंत तक टीका विकसित हो जाने की उम्मीद जताई। कासगंज के सोनो थाना क्षेत्र में मकान के विवाद में पड़ोसी ने बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अवैध तमंचे से गोली मारकर आरोपी फरार। गोली मारने का खौफनाक वीडियो आया सामने। तस्वीरों में कुछ लोग छत से वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के सरायकिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में सपा नेता पर फायरिंग। बिजली का तार चोरने के विवाद में सपा के पूर्व महासचिव को इलाके के लोगों ने मारी गोली। हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में हुई मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की माने तो बच्चे की हत्या उसकी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 8 साल के मासूम ने बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। भदोही में गेहूं काटने की सही मजदूरी नहीं मिलने पर मजदूर और ठेकेदार के बीच विवाद हो गया। कुछ देर में विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया। मामला सुरियामा थाना क्षेत्र के नगमलपुर का है। विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। कोटद्वार में महिला ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि महिला के परिवार में आपसी रंजिश चल रही थी, इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। महिला की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।
गनीमत रही कि लॉकडाउन की वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नहीं था। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरफोर्स ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसे बागपत एक्सप्रेसवे पर लैंड करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद ही एयरफोर्स का चीता हेलीकॉप्टर वापस हिंडन एयरबेस लौट गया। हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। गोंडा पुलिस ने वन विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया। झाड़ियों से कीमती सागौन के कई बोरे मिलने से हड़कंप मच गया। जिस प्लाट में सागौन की लकड़ी बरामद हुई है वो किसकी है, इसकी जानकारी राजस्व विभाग से की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वन प्लस ने अपनी 8 सीरीज में वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो स्मार्टफोन को लॉन्च किया। ये फोन 5G सपोर्ट और पंच होल डिस्प्ले पैनल के साथ उतारे गए हैं। कंपनी ने इन्हें अभी भारत में लॉन्च नहीं किया है। गिरावट के साथ शेयर बाजार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 30,200 के पास पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी करीब 55 अंक नीचे गिर गया। अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने नया आईफोन लॉन्च किया। कंपनी के सबसे सस्ते आईफोन SE का अगला वर्जन है आईफोन SE 2020। स्मार्टफोन को कंपनी ने 3 कलर वेरिएंट में मार्केट में उतारा है। NBA बास्केटबॉल टीम मिनेसोटा टिम्बरवोल्स के ऑल स्टार खिलाड़ी एंथोनी टाउन्स की मां जैकलिन टाउन्स की कोविड-19 से हफ्तों तक जूझने के बाद मौत हो गई। नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी संघ ने परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि वो एक महीने से अधिक समय से वायरस से जूझ रही थी। बॉलीवुड एक्टर रंजीत चौधरी ने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रंजीत अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ कमाल के लेखक और निर्देशक भी थे। खट्टा मीठा बातों बातों में और खूबसूरत जैसी फिल्मों का हिस्सा भी रह चुके हैं। आखिरी बार वो फिल्म कांटे में नजर आए थे। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अपने परिवार का जनाजा उठा लोगे क्या? अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं और बैंक में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने ATM और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने हाल ही में सेक्रेट गेम्स शो की स्टार एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी के साथ जमकर भांगड़ा किया। फैंस के बीच ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सनी लियोनी पिछले कुछ वक्त से कई हॉट तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं। प्रीति खरबंदा और पुलकित सम्राट एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लॉकडाउन में साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे लवबर्ड्स लगातार फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। हाल ही में प्रीति ने एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो पुलकित से जबरदस्ती जंपी करवाती दिख रही है। नुसरत भरूचा घर पर हैं तो सोचा वो अपने घर की कमानी क्यों ना संभाल ले। इसी राह पर निकल चुकी नुसरत भरूचा घर का काम करने में बिजी हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो रही नुसरत रसोई का काम करती देखी जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। लॉकडाउन में सपना चौधरी का एक नया गाना रिलीज हुआ है। सपना के इस गाने का फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान फैंस का मनोरंजन करने के लिए सपना का नया गाना रिलीज किया गया। इस गाने के बोल हैं गजबन छोरी। गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में करीना अपनी ड्रेस ठीक से इस्त्री न होने पर अपने स्टाफ को डांट लगा रही हैं। ये वीडियो करीना के रेडियो शो के सेट का बताया जा रहा है। करीना के स्टार टेंट्रम्स की वजह से वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबा आपकी।